हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू मेरे न्यू व्लॉग। और गाइस, आज हम आए अपने कौन सी नदी चाची? दसाना नदी, जिसमें मोहर निकलती है। और मेरे साथ मेरा भाई ललित और मेरे चाचा भाई। आज हम लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। तो ये बहुत बढ़िया नदी है, इसमें से मेन चीज़ तो ये है कि मोहरंग भी निकलती है। और हम जहाँ आए हैं झारखंड, और यहाँ पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है, जिसको यहाँ पर झारखंड का मेला कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मस्त नजारा है ना। पर अभी हम लोग नहाएंगे। मस्त साफ पानी है, और वहां पर वो फिर से जहां था ब्रो। हां तो नहीं आ रहा तुम्हारा है? तो चलो बंद कर दो। ए गाइस, बहुत ठंडा पानी है यार। पानी इतना ठंडा पानी है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत साफ पानी, एकदम इंटरेस्टेड। देखो चाचा जाने आ, ये है ये इतनी मजा आ रही। बहुत ठंडा पानी है यार, सब लोग अंदर अंदर तक दिख जाता है। ये देखिए कितना साफ पानी, एकदम बिल्कुल अंदर अंदर तक सब कुछ दिखता है। यार फोटो तो खींच ले ला। हां ये फोटो खींच ले। आपको मैं विश्वामित्र जी के दर्शन करा रहा हूँ साक्षात। देखिए ये हैं, जहाँ ये चमक रहा है यही विश्वामित्र जी हैं, पानी के अंदर हैं और बिल्कुल साफ दिखते हैं, साफ साफ। बोल दूँ ना, चालू है? बिल्कुल चालू है, एकदम बिल्कुल। देखना हम अंदर घुसेंगे कितना साफ, एकदम क्लियर दिखेगा। देखिए ही कितना साफ पानी है, अंदर भी साफ साफ दिखता है। बहुत मजा आती है, नजारे ही कुछ अलग है। इधर का नजारे ही कुछ अलग है, बहुत मजा आती है। देखिए बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े, एकदम मजा बहुत आती है। गाइस, आप लोगों ने देखा कि चाचा ने दिखाया मेरे विश्वामित्र जी को। और गाइस, हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन आज ठंडी है ना थोड़ा, तो ज्यादा मजा आ रही है। ठंडा ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा मजा आ रही है। बाकी जो पत्थर है उनमें बहुत ज़्यादा काई लगी है, अगर फिसल जाओ तो गिर जाओ, इसीलिए आराम से जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर भी हैं, लेकिन इंटरेस्टेड जगह है, घूमने लायक है, बहुत बढ़िया है जगह है। और यहीं से मोहरंग भी, मोहरंग जो घर बनते हैं जिसके, मोहरंग जो हर जगह जाती है, इसी नदी से निकलती है मोहरंग, इसी वजह से इसका और एकदम क्लियर पानी रहता है, साफ साफ। मतलब अगर कितने भी नीचे होगा, अगर तुम अगर तैर रहो अंदर, नीचे चले जाओ तो भी एकदम साफ साफ दिखेगा, इतनी साफ नदी है। गाइस, बहुत देर हम लोगों ने नहाया, तो हम लोग नहा चुके हैं अब, तो हम लोग कपड़े चेंज करेंगे। ये चेंज कर चुके हैं, हम भी चेंज करेंगे थोड़ी देर में। मज़ा बहुत आया, ठंडा आ गया पूरी तरह से, इतना ठंडा पानी था। अब थोड़ी देर बाद हम लोग लाए हैं समोसे, खाना कपड़े पहनने के बाद फिर हम लोग समोसे खाएँगे। लेकिन बहुत मज़ा आया, और बहुत ही फेमस नदी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेन चीज़ तो इसमें मोहरंग निकलती है, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मकर संक्रांति आने वाली है 14 जनवरी को, तो उस दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, तो चारों तरफ नहाने की जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ लगती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, हर जगह आदमी 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 रहता है। वो ऊँचा है, वहाँ पर भी सारे जगह आदमी बने रहते हैं, कई लोग आते हैं, बहुत पूरा गाँव आता है
जगह जगह से लोग आते हैं, नहाते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं। इस नदी में मगरमच्छ भी हैं, जगह तरह तरह की मछलियाँ भी हैं और सांप भी हैं, सब कुछ है। क्योंकि बड़ी नदी है इसीलिए, पत्थरों की नदी है तो मगरमच्छ भी मिलते हैं, सब चीज़ मिलती हैं। अब हम लोग खाएंगे समोसा। ये गाइस फाइनली हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर। चढ़ चढ़ के देखिए पहाड़ के पास, चलो। गाड़ी हम लोगों की बहुत दूर खड़ी है, हम लोग यहाँ चढ़ के जाएंगे उधर साइड से। आपने लोगों ने देखा कैसी इंटरेस्टेड जगह है। बालू वाली नदी है तो बालू होएगी। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी दसाना नदी कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बेल आइकन का भी बटन दबाओ। मज़ा मस्त ब्लॉग बनाता रहूँगा। और गाइस आज के ब्लॉग में एंड करेंगे, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय।